आज हम गो थ्रू करेंगे इनपुट आउटपुट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दोज आर यू नो प्रिपेयरिंग फॉर अ बैंक पीओ क्लर्क. तो प्रोबेबिलिटी है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं. तो आप पिछले 3 सालों में देखेंगे तो जरूर किसी न किसी एग्जाम में, चाहे आरआरबी हो, बैंक पीओ हो, चाहे आपका क्लर्क हो, वहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है. और जो लोग एचईएस की तैयारी भी कर रहे हैं, एप्टीट्यूड एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, वहाँ भी क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना होगी. तो ये जो चैप्टर है इक्वली सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. तो चलिए शुरू करेंगे कि क्या इनपुट आउटपुट होता है, क्या है. सबसे पहले इस बारे में हम जानेंगे और उसके बाद पर हम क्वेश्चन की आगे बात करते हैं. आप देखेंगे आपके पास डायरेक्शन दी है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 के बीच में. तो ये डायरेक्शन आपको ये बताएगी कि व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज आउटपुट और आपको करना क्या है. तो मैं डायरेक्शंस को पढ़ूंगा, आप भी पढ़ें ताकि आपको समझ आए कि इनपुट आउटपुट क्या है. डायरेक्शन नंबर 1 से 5 के बीच में, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस. अ वर्ड एंड नंबर अरेंजमेंट मशीन व्हेन गिवन एन इनपुट लाइन ऑफ वर्ड्स एंड नंबर रीअरेंजेस देम फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रूल इन ईच स्टेप. द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ इनपुट एंड स्टेप्स ऑफ रीअरेंजमेंट. तो आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा. आपके पास एक इनपुट दी होगी, इनपुट दी होगी. इनपुट क्या है, इनपुट आप नीचे देखेंगे, विंड पैकेट 19, 7 बैग 12, टास्क 34. दिस इज नॉन एज इनपुट, इसे हम इनपुट कहते हैं. हर क्वेश्चन की हो सकता है कि इनपुट अलग अलग होगी. डायरेक्शन तो आपके पास एक इनपुट दी है ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व करने हैं, लेकिन जो डायरेक्शन के बेस पे क्वेश्चन दिए होंगे उसमें हो सकता है कि इनपुट अलग अलग दी हुई हो. तो डायरेक्शन के इनपुट आप समझ गए होंगे, विंड पैकेट 19, 7 बैग 12, टास्क को 34 आपके पास जो दिया है इसे हम इनपुट कहते हैं. और इस इनपुट का रीअरेंजमेंट किया गया है. क्या किया गया है, रीअरेंजमेंट. जो रीअरेंजमेंट होगा उसका एक सर्टेन पैटर्न होगा, एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा, एक पर्टिकुलर रूल के बेस पे वो रीअरेंजमेंट किया जाएगा. और जो रीअरेंजमेंट किया जाएगा उसको स्टेप्स में कंसिडर किया जाएगा. स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब इस डायरेक्शन के अंदर 7 स्टेप दिए हुए हैं. हो सकता है कि कोई दूसरा क्वेश्चन हो उसमें 4 ही स्टेप हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, ये अलग अलग हो सकता है. लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास इनपुट को 7 स्टेप्स में रीअरेंज किया गया है. तो जैसे इनपुट दी गई है, जो स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये क्या है, ये है रीअरेंजमेंट. और इस रीअरेंजमेंट का एक सर्टेन रूल होगा, एक पर्टिकुलर एक बेस होगा जिस आधार पर इसको रीअरेंज किया होगा. लास्ट स्टेप जो होता है उसे हम कहते हैं आउटपुट. ठीक है, व्हाट इज जो लास्ट स्टेप है. अब इस इनपुट में आप देखेंगे स्टेप नंबर 7 इज आउटपुट. इनपुट आपके पास दिया है, इनपुट के बाद जो स्टेप्स में उसको रीअरेंजमेंट किया गया, जो लास्ट स्टेप आपके पास आया उसे, लास्ट स्टेप जो आपके पास आया है उसे हम कहते हैं आउटपुट. आई थिंक इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया होगा. सबको समझ आ गया, कोई डाउट किसी को उसमें, ग्रेट. चलिए अब अगला काम है कि हम क्या करेंगे. जो हमारे पास इनपुट दी है, इनपुट का रीअरेंजमेंट किस बेस पे हुआ, हम इनपुट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे. हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इनपुट आपके पास दी है, इस इनपुट के बेस पे जो स्टेप्स आपको दिए गए हैं उसका पैटर्न क्या है, किस पैटर्न के बेस पे ये जो इनपुट है इसका रीअरेंजमेंट किया गया है. तो आप ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे, इनपुट कई तरह की होती है. जैसे इनपुट आपकी नंबर बेस्ड भी हो सकती है जिसमें के सारे नंबर ही दिए होंगे. इनपुट आपकी वर्ड बेस्ड भी हो सकती है जिसमें के सारे वर्ड्स ही दिए होंगे. इनपुट आपकी मिक्स भी हो सकती है जिसमें कि नंबर ऑफ वर्ड्स आपके दोनों दिए होंगे. तो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, मिक्स्ड इनपुट का भी आ सकता है, नंबर इनपुट का भी आ सकता है, और आपके पास हो सकता है कि वर्ड इनपुट का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए. सो इन दिस डायरेक्शंस आप देखेंगे विंड पैकेट 19, 7 बैग 12, टास्क और 34. तो क्लियरली ये मेंशन यहाँ हो पा रहा है कि हमारे पास जो इनपुट दी गई है वो आपकी मिक्स्ड इनपुट है, क्योंकि नंबर भी दिए गए हैं और आपके पास वर्ड्स भी दिए गए हैं. ओके, ग्रेट. सो अब हम देखेंगे कि स्टेप्स में इसका अरेंजमेंट किस पैटर्न के बेस पे किया गया है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे. जो इनपुट दी है, इनपुट को किस पैटर्न के बेस पे रीअरेंजमेंट किया गया है. सो ओवर टू द स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 में आप देखेंगे कि सबसे पहला जो स्टेप में, जो पहला आपके पास जो वर्ड या नंबर है वो है 34. आप देखेंगे ऊपर जो इनपुट थी, इनपुट में जो पहला जो बिगिनिंग ऑफ आपका वर्ड था विंड, लेकिन स्टेप नंबर 1 में यहाँ हमने ले लिया है 34. तो इसका ये मतलब हो गया है कि जब कुछ नया आया है, नंबर हो या वर्ड हो, तो इसका मतलब इसका रीअरेंजमेंट किया गया है. आई बात समझ.
अब रीअरेंजमेंट कैसे किया गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर इनपुट में देखेंगे, हम नंबर ढूंढेंगे, नंबर हमारे पास 19 है, नंबर हमारे पास 7 है, नंबर हमारे पास 12 है, नंबर हमारे पास 34 है। तो कुल मिला के हमारे पास अभी तक चार तरह के नंबर है, 19 है, 7 है, 12 है, 34 है। इसका ये मतलब हो गया कि इन्हीं नंबर में से कोई रीअरेंजमेंट किया होगा। अभी तक की बातचीत में एक पॉइंट हमारा समझ आ जाना चाहिए कि जो इनपुट का पहला स्टेप है उससे उसमें सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं। जो रीअरेंजमेंट का पहला स्टेप है उसमें हमने सबसे पहले नंबर लिया है। अब नंबर हमने 34 ही क्यों लिया, इसके लिए हम देखेंगे 19, 7, 12 और 34 हमारे पास नंबर है और 34 आपको मालूम है कि सबसे बड़ा नंबर है। तो इसका ये मतलब हो रहा है कि जो इनपुट का पहला स्टेप है उसमें सबसे पहले हमने नंबर लिया और नंबर भी हमने लिया है लार्जेस्ट नंबर जो कि हमारे पास है 34। कोई डाउट किसी को इसमें? ग्रेट। तो पहला स्टेप हमें रीअरेंजमेंट क्या हुआ है कि नंबर का रीअरेंजमेंट हो गया और नंबर भी हमारे पास कौन सा आ गया, जो लार्जेस्ट नंबर है वो हमने सबसे पहले ले लिया है। बाकी के वर्ड्स एज इट इज होंगे, 34 हमने आगे लिया है, आप देखेंगे विंड्स एज इट इज है, पैकेट एज इट इज है, 19 एज इट इज है, 7 एज इट इज है, बैक एज इट इज है, 12 एज इट इज है, टास्क एज इट इज है। सिर्फ हमने 34 को ही उठा के सबसे पहले हमने अरेंजमेंट कर लिया, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। यस, ओवर टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम देखेंगे 34 ऑलरेडी रीअरेंजमेंट हो चुका था पिछले स्टेप्स में, इसलिए इसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है। 34 के बाद दूसरा बैग आ गया है और इससे पहले 34 से पहले क्या विंड था, अभी बैग कैसे आया, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि वर्ड्स हमारे पास कौन कौन से है। विंड हमारे पास है, पैकेट हमारे पास है, बैग हमारे पास है, टास्क हमारे पास है। लेकिन बैग इसलिए आया क्योंकि बैग अल्फाबेटिकली सबसे छोटा वर्ड है, डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से बैग सबसे पहले आएगा। इसलिए यहाँ अरेंजमेंट क्या हो गया है कि पहले स्टेप के अंदर सबसे बड़ा नंबर, दूसरे स्टेप के अंदर सबसे छोटा डिक्शनरी वर्ड, डिक्शनरी के हिसाब से सबसे छोटा वर्ड। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि क्या इसमें चल रहा है। पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है जो कि आपके स्टेप नंबर 7 तक होगा इसी पैटर्न पे चलेगा। मैं मुझे पूरा बताने की इसमें जरूरत आगे नहीं है, सिर्फ आपको पैटर्न को ही आइडेंटिफाई करना होता है। पैटर्न हमें समझ आ गया है कि एक स्टेप के अंदर नंबर सबसे बड़ा, दूसरे स्टेप के अंदर वर्ड सबसे छोटा, तीसरे स्टेप के अंदर क्या होगा नंबर, उसके बाद जो आपका बड़े से छोटा, चौथे स्टेप के अंदर क्या होगा वर्ड छोटे से बड़ा, ये पैटर्न चल रहा है। तो आई होप कि आपको सबको ये पैटर्न समझ आ गया होगा। यस या नो? ग्रेट। चलिए तो अब हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि डायरेक्शन जो हमारे पास इनपुट दी है, जो डायरेक्शन दी जाती है वो डायरेक्शन हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो हमें आई थिंक समझ आई गई है। अब हम इसी डायरेक्शन के बेस पे जो हमारे 5 क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन जरा एक बार आप लिख लीजिए क्योंकि फिर मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड शो करूंगा तो आपको क्वेश्चन वाली पीडीएफ दिखाई देगी नहीं। आप क्वेश्चन नंबर 1 को लिख लीजिए और मैं चाहता हूँ एक बार आप डायरेक्शन भी पूरा, ये पहली बार इनपुट भी आप पूरी लिखी लीजिए, जो डायरेक्शंस थी इसको पूरा लिखिए, इनपुट को लिखिए और इसमें जो स्टेप्स दिए गए वो भी लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी लिखिए। देन हम आगे फिर मूव करेंगे ताकि हमें समझ आए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। लिखिए फटाफट से आप। लिख लिया हो तो मुझे बता दीजिए प्लीज। ओके ग्रेट, लिख लिया। चलिए तो चलिए अब हम सीधे सॉल्यूशन पे आएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 को सभी ध्यान से हम गो थ्रू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास एक इनपुट दी है, मैं बोर्ड पे भी इसको लिख दूंगा, आप उसको ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन क्या आपके पास दिया हुआ है। आपके पास एक इनपुट दी हुई है, इनपुट आपके पास दी हुई है और इनपुट जो आपके पास दी हुई है उसके अंदर आपके पास 9 है, 13 है,
और अबाउट है, आपके पास टैरिफ दिया हुआ है, और इसके अलावा जो है 24 दिया हुआ है, कॉल दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है, और इवन दिया हुआ है। तो ये सारे आपके पास एक इनपुट दी हुई है, ये इनपुट भी बिल्कुल वैसी इनपुट है जैसी हमारे पास डायरेक्शन में दी हुई थी, मिक्स्ड इनपुट है, नंबर भी आपको दिखाई दे रहे हैं और आपके पास वर्ड्स भी दिए हुए हैं। तो 9, 13 अबाउट टैरिफ, 24 कॉल, 29 इवन आपके पास इनपुट दी हुई है। आपसे ये पूछा गया है कि इस इनपुट का स्टेप नंबर 4 क्या होगा, कौन सा स्टेप क्या होगा, 4 कौन सा होगा। तो 4 स्टेप आपके पास क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रखने वाली बात है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड फोर्थ स्टेप हमें फाइंड आउट करना है कि फोर्थ स्टेप आपके पास क्या होगा। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए अब सभी ध्यान देंगे, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे। सिर्फ 5 मिनट की बात है, 5 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। वंस यू विल सॉल्व वन क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन फिर आप सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। चलिए ध्यान देना, अब जैसे आपके पास इनपुट है 9, 13 अबाउट टैरिफ, 24 कॉल, 29 इवन आपके पास दिया गया है। आपको मालूम है कि डायरेक्शन में आपके पास क्या था, कि सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर आएगा। कौन सा आएगा, सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर कहाँ से आप देखेंगे, 9, 13, 24 और 29। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 29। ध्यान रखना, इसको मैं यहाँ क्रॉस करूंगा 29 को, ताकि आपको ये पता चल सके कि इसका रीअरेंजमेंट किया है, इसको आप दोबारा कंसीडर ना करो, इसलिए इसको क्रॉस कर दिया गया है। तो सबसे पहला आप स्टेप कौन सा, 29 को सबसे आगे लिया, इसको स्टेप नंबर 1 लिखा जी। अब आपको मालूम है कि सेकेंड स्टेप में, पहले स्टेप में 29 के अलावा बाकी नंबर ऑफ वर्ड्स एज इट इज है, उसका कोई रीअरेंजमेंट इसमें नहीं किया गया है, तो हमें बाकी लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम सेकेंड स्टेप में आएंगे। सेकेंड स्टेप में आपको मालूम है कि सबसे छोटा अल्फाबेटिकली वर्ड को अरेंजमेंट किया गया है, जो कि आपके पास अबाउट है। अबाउट हम आगे ले आएंगे, तो अबाउट का यहाँ पे अबाउट सेकेंड स्टेप हमारे पास हो गया है। हो सकता है कि किसी आप में से किसी को ये समझना है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन पहले आप इसको लिखें, समझें, फिर हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे अगर कहीं आपको समझ नहीं आता है तो। अब तीसरे स्टेप में क्या होना चाहिए, तीसरे स्टेप में नंबर होगा, नंबर कौन सा होगा, बड़े से थोड़ा छोटा होगा, तो हमारे पास 24 आ जाएगा। ग्रेट, तो 24 हमारे पास आ गया, थर्ड स्टेप हमारे पास 24 हो गया है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, अब हमारे पास कौन सा वर्ड होगा, कॉल होगा, क्योंकि ए के बाद सी अल्फाबेटिकली यही होता है। कॉल हमारे पास जो आ गया है, फोर्थ हमारे पास स्टेप आ गया, हमसे यही पूछा था, तो यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, हमारा आंसर देखो 29 फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, अबाउट सेकेंड स्टेप था हमारे पास, 24 थर्ड स्टेप था हमारे पास, कॉल चौथा स्टेप था हमारे पास। उसके बाद जो बाकी बच गया है ऊपर, 9, 13 अबाउट क्रॉस किया है मैंने, इसको हम कंसिडर हमने आगे कर लिया, नहीं करेंगे यहाँ भी। टैरिफ हो गया, उसके बाद आप टैरिफ के बाद आगे देखेंगे, उसके बाद इवन हो गया है। तो ये हमारा आंसर है, ये जहां भी आपको कहीं ऑप्शन में दिखाई देता है उसको आप टिक कर लेंगे, और इस केस में आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, बी। पक्का बी है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा आंसर आपके पास है वो है, हमारा आंसर हो गया है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। कोई डाउट किसी को उसमें, कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ेंगे सभी, और अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन है सभी के पास, नहीं है, है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि इफ स्टेप नंबर 2 ऑफ एन इनपुट इज, जो स्टेप नंबर 2 दिया हुआ है, अभी तक पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, इनपुट दी थी, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया है स्टेप, दिया है स्टेप किसी एक इनपुट का, उस इनपुट के बारे में हमें नहीं मालूम, लेकिन किसी इनपुट का स्टेप नंबर 2 दिया हुआ है। स्टेप नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 36, 37 है, डेस्क है, 34 है, गार्डन है, 5 फादर, विक्ट्री 17, ये दिया है। आपको ये बताना है कि लास्ट स्टेप कौन सा होगा, लास्ट स्टेप कौन सा होगा। चलिए तो लिखते हैं, अभी क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, आप सभी लिख लीजिए, लिखने की अभ्यास आपको होना चाहिए, क्योंकि कुछ बहुत सारी बातें लिखने से भी याद रहती है, लिखते रहिए प्लीज साथ साथ आप चीजें। 37 आपके पास है, डेस्क आपके पास दिया हुआ है, और 34 आपके पास दिया हुआ है, गार्डन आपके पास दिया हुआ है,
नेक्स्ट आपके पास दिया है फाइव, उसके बाद दिया है फादर, और नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है विक्ट्री, और आपके पास लास्ट दिया होगा 17। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये आपके पास दिया हुआ, ये दिया हुआ क्या है, स्टेप नंबर सेकंड, नॉट इनपुट, ग्रेट। तो ये स्टेप नंबर सेकंड दिया हुआ है, हमें निकालना है लास्ट स्टेप। देखो लास्ट स्टेप निकालने के लिए ये जरूरी है कि हमें ये पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तभी लास्ट स्टेप आएगा, नहीं तो लास्ट स्टेप का हमें पता चल नहीं पाएगा। इसका ये मतलब है कि दो स्टेप ऑलरेडी दिए हुए हैं, पर हमें लास्ट स्टेप तक इसका रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे कि कौन सा स्टेप लास्ट स्टेप है। चलिए अब दो स्टेप देखेंगे कौन से है। 37 आपके पास पहला स्टेप था और डेस्क आपके पास दूसरा स्टेप था। इनको मैं क्रॉस करूंगा ताकि हमें समझ आए कि इनको हमें कंसीडर आगे के स्टेप्स में नहीं करना है। ओके, तीसरे स्टेप्स में हम देखेंगे अब क्या आना चाहिए। अब हमें नंबर चाहिए, नंबर कौन सा आएगा, बड़ा ही आएगा। तो बड़ा ही आएगा तो 34 ऑटोमेटिक आ गया, तो इट शुड नॉट कंसीडर अ स्टेप। ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट यह कॉन्सेप्ट आ गया है। क्या कॉन्सेप्ट आ गया है कि अगर यहाँ 34 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट के हिसाब से, लेकिन 34 खुद ही आ गया है, तो इसको हम स्टेप कंसीडर नहीं करेंगे, ध्यान रखने वाली बात है। तो 34 में क्रॉस कर दिया, इसको हम स्टेप हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब क्या आना चाहिए आपके पास, फादर, फादर, यस। तो अभी तक हमारे पास 37 फर्स्ट स्टेप है, डेस्क आपके पास सेकंड स्टेप हो गया है, 34 ऑटोमेटिक आ गया, नाउ इट शुड बी द फादर। फादर को हमने स्टेप दे दिया है फोर्थ स्टेप, ग्रेट, सो वेल, ओके। नेक्स्ट अब हमारे पास नंबर आएगा, नंबर क्या आना चाहिए, वी शुड हैव अ 17। तो 17 आपको पता है कि पीछे इसको आगे ले आना पड़ेगा, तो इसको हम स्टेप कंसीडर करेंगे। तो 17 हमारे पास जो आ गया, स्टेप नंबर 5 हमारे पास आ चुका है। और उसके बाद फिर वर्ड आना चाहिए, वर्ड क्या आएगा, गार्डन। और गार्डन आपको मालूम है कि इट इज ऑटोमेटिक, तो इसको भी हम स्टेप कंसीडर नहीं करेंगे। ये ऑटोमेटिक समझ आ गया सबको, पक्का, ग्रेट, ओके, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 5, ये भी ऑटोमेटिक है, विक्ट्री, ये भी ऑटोमेटिक है। तो हमारे पास अब सारे स्टेप्स, पूरा इनपुट हमारा रीरेंज हो ही गया है। हमसे ये पूछा गया था कि लास्ट स्टेप कौन सा होगा, तो लास्ट स्टेप हमारे पास कौन सा हो रहा है, एक चार, आई एम सॉरी, ये तीसरा स्टेप है ये, और ये चौथा स्टेप है ये। तो कुल लास्ट स्टेप कौन सा हो गया है हमारे पास, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप कौन सा आंसर है, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास आंसर हो गया है, वो आंसर हमारे पास है सी ऑप्शन, यानी कि थर्ड जो है, मतलब फोर्थ जो है वो लास्ट स्टेप होगा। किसी को कोई सर, ये ऑटोमेटिक वाला स्टेप बता दो क्या प्लीज। अच्छा, ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सबका यहाँ तक हो गया, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हो गया, यानी कि फोर्थ स्टेप हमारा लास्ट स्टेप हो गया, ठीक है। चलिए हम कोई और क्वेश्चन करेंगे, उसमें मैं जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो आपने आई थिंक कर ही लिया होगा। चलिए ठीक है, ओके। ये हमारा जो आपने कहा कि ऑटोमेटिक वाला कॉन्सेप्ट हम किसी और क्वेश्चन में करेंगे, तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा कि कैसे ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे आपके पास दिया है इफ स्टेप वन ऑफ एन इनपुट। अब स्टेप वन दिया है किसी इनपुट का, पहले वाले क्वेश्चन में आपके पास इनपुट दी हुई थी, दूसरे वाले क्वेश्चन में आपके पास स्टेप नंबर 2 दिया था किसी इनपुट का, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास स्टेप नंबर 1 दिया है किसी इनपुट का, और आपको ये बताना है कि स्टेप नंबर 3 क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमें दिया हुआ है, 59 हमारे पास दिया हुआ है, 59 के बाद हमारे पास बीट दिया हुआ है, और टेन्योर दिया हुआ है, BEAD स्पेलिंग आप लिखना चाहते लिख सकते हैं, TWNUR ही। उसके बाद फादर हमारे पास दिया हुआ है, और उसके बाद आपके पास 38 दिया हुआ है, 11 आपके पास दिया हुआ है, और उसके बाद आपके पास अल्टीमेट है, अल्टीमेट, और उसके बाद आपके पास दिया है 24। तो हमारे पास ये क्या दिया है आपको, 59 बैड, टेन्योर, फादर, और 38, 11, अल्टीमेट, 24 आपके पास दिया हुआ है। तो ये है हमारे पास स्टेप नंबर 1। तो व्हाट इज इट, इट इज अ स्टेप नंबर 1, इट इज अ स्टेप नंबर 1, इट इज नॉट अ इनपुट। तो ये आपके पास स्टेप नंबर 1 दिया हुआ है, इसको हम 1 कंसिडर करेंगे ताकि हमें पता चले कि स्टेप नंबर 1 है। आपको ये बताना है कि स्टेप नंबर 3 का क्या आउटकम होगा।
ध्यान रखेंगे, और जो पिछले वाला कॉन्सेप्ट अभी तक जिनका क्लियर नहीं हो पाया कि ऑटोमेटिक कैसे आता है, हम ऑटोमेटिक को भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो पहला स्टेप आप देखेंगे 59, तो पहला स्टेप है ही, तो इसको तो हम अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं, इसको मैंने वन कर दिया और ऊपर मैंने क्रॉस कर दिया है। चलिए अब सेकेंड स्टेप में हम काम करेंगे। अब हमारे पास क्या आना चाहिए, बेड आना चाहिए ना जी, BEAD हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि देखो अल्फाबेटिकली, अब ध्यान देना जिनको ये ऑटोमेटिक वाला कॉन्सेप्ट समझना है, अभी जो पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से सबसे बड़ा नंबर हमने ले लिया, अब हमारे पास होना चाहिए सबसे छोटा अल्फाबेटिकल वर्ड। ठीक, अब सबसे छोटा अल्फाबेटिकल वर्ड में हमने देखा कि बेड, टेन्योर, फादर, अल्टीमेट में ये चार आपके पास वर्ड्स दिए हुए हैं, इन चारों में सबसे छोटा डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से बेड सबसे छोटा है, तो इसका ये मतलब है कि सेकंड स्टेप में हमारे पास बेड आना चाहिए। लेकिन बेड जो है 59 के बाद ही है, ऑटोमेटिक है ये, आई थिंक आप समझ गए होंगे जो लोग ऑनलाइन है प्लीज। यस हाँ जी, यहाँ अगर सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, सपोज करो यहाँ आपके पास होता है कुछ भी होता, जैसे आपके पास यहाँ होता रोज, ROSE, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ टाइम के लिए बेड को भूल देंगे, रोज आपके पास होता और ये बेड कहाँ, बेड सबसे लास्ट में होता। ठीक, तो अगर हमें सेकंड स्टेप करना होता तो हम बेड को यहाँ ले आके इसको सेकंड स्टेप कर लेते, लेकिन बेड यहाँ ऑटोमेटिक है, हमें इसको अरेंज करने की हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, दैट्स बाय इसको हम स्टेप कंसीडर नहीं करेंगे। तो बेड यहाँ आपके पास ऑटोमेटिक आ गया है, ये स्टेप इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन ये अरेंजमेंट ऑलरेडी हुआ हुआ है तो इसको मैं यहाँ क्रॉस कर दूंगा ताकि हम अगले स्टेप में बेड को कंसीडर ना करें। सबका क्लियर हो गया ये? Yes. चलिए yes, हम सेकंड स्टेप में आएंगे। 59 के बाद अब दूसरा स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए जो कि आपका 38 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 38 हमारा जो है ये स्टेप नंबर 2 हो गया है। अब हम अगेन वर्ड पे काम करेंगे, बेड के बाद बड़ा कौन सा होगा, फादर। अब देखो फादर यहाँ ऑटोमेटिक नहीं है, क्यों नहीं है इस बात को समझो, अगर सपोज करो यहाँ जहाँ टेन्योर लिखा हुआ फादर होता तो ये भी ऑटोमेटिक हो जाता, लेकिन फादर से पहले टेन्योर है, इसलिए हमें टेन्योर से पहले फादर को अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमारा फादर जो है स्टेप नंबर हमारा 3rd हो चुका है, तो फादर हमारे पास हो गया स्टेप नंबर 3rd। हमसे क्या पूछा था, आई थिंक हमसे पूछा था स्टेप नंबर 3 बताना है आपने, तो हम अब हमसे जब पूछा ही स्टेप नंबर 3 है तो हम पूरी इनपुट को सॉल्व क्यों करें, करने की जरूरत है नहीं है, हमें वहां तक करनी है जहां तक हमसे पूछा गया है, और हमसे ये पूछा गया कि स्टेप नंबर 3 तक ही आपको बताना है, तो स्टेप नंबर 3 तक हमारा अरेंजमेंट हो चुका है, और हमारा आंसर अब क्या होगा, अब देखेंगे 59 हमारा होगा, बेड हमारे पास होगा, 38 हमारे पास है, फादर हमारे पास है, उसके बाद अब आगे आपने क्या करना, जो ऊपर रिमेनिंग रह गए थे टेन्योर, उसके बाद क्या 11, उसके बाद क्या अल्टीमेट, उसके बाद आपके पास क्या होगा 24। तो ये जो आपके पास आउटकम है ये है स्टेप नंबर 3, जिसका कि हमारे पास स्टेप नंबर 1 दिया गया था। अब ये कहीं आप ऑप्शन में ढूंढेंगे और आपको अपना आंसर मिल जाएगा, 59 बेड, 38 के बाद आपका फादर हो गया है, और टेन्योर है, 11 है, अल्टीमेट 24। आई थिंक डी शुड बी द आंसर, अगर आपने देख लिया है तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, इस केस में आंसर डी हमारे पास इस केस में है। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज आप बोलें, अदरवाइज हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। डाउट किसी को? नो सर, थैंक यू। सो ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर पे हम सब चलेंगे, पढ़ेंगे सभी सवाल को, क्योंकि ध्यान रखना कहते हैं कि आधा सॉल्यूशन वही हो जाता जब हम सवाल को सही सही पढ़ पाते हैं। रिसीवर मैथ्स में हाफ सॉल्यूशन इज व्हाट इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपको क्वेश्चन ही आपको प्रॉपर समझ नहीं आएगा तो आपका सॉल्यूशन भी गलत हो जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ द लास्ट स्टेप ऑफ एन इनपुट इज 40, बातें नहीं प्लीज, इफ द लास्ट स्टेप ऑफ एन इनपुट इज 41 कॉस्ट 32 ओवर 28 प्रोजेक्ट 17, लिख लेते हैं इसको। हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है लास्ट स्टेप, We have given a last step, तो मैं इसको लिख देता हूँ, it's a last step दिया है हमारे पास किसी input का STP, last step जो हमारे पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास 41
41, उसके बाद आपके पास है पोस्ट, पोस्ट के बाद दिया है आपके पास 32, 32 के बाद आगे दिया हुआ आपके पास ओवर, और ओवर के बाद आपको दिया हुआ है 28, 28 के बाद दिया है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बाद आपको आगे दिया हुआ है 17। अगर हम पोस्ट चेक कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन गलत तो नहीं है, 48 पोस्ट, 32, हाँ 41, आई एम सॉरी, 41 पोस्ट, 32 ओवर, 28 प्रोजेक्ट एंड 41 पोस्ट, 32 ओवर, 28 प्रोजेक्ट, 17 वायलेट है लास्ट में जी, उसको भी लिख लें आप, वी आई ओ एल ई टी, वायलेट भी है लास्ट में, वी आई ओ एल ई टी। तो आप समझ गए होंगे ना ये हमारे पास क्या है, तो कौन बताएगा आप में से क्या दिया है हमारे पास? आउटपुट है, चाहे इसको कहो लास्ट स्टेप दिया हुआ, लास्ट स्टेप दिया हुआ। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी द इनपुट, आपको ये बताना है कि इसमें से इनपुट क्या होगा। हाँ जी, हाँ नहीं आता, वेरी गुड। तो देखो बस ये ध्यान, जो बिल्कुल बिगिनर जिनको मालूम नहीं है, देखो लास्ट स्टेप आपके पास दिया है, लास्ट स्टेप से कभी भी आप इनपुट को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, इसको बंद कर दीजिए प्लीज। ये ध्यान रखने वाली बात है कि लास्ट स्टेप हो या कोई भी स्टेप आपके पास दिया है, किसी भी स्टेप में से यदि आपसे ये पूछा जाए कि आपको इनपुट निकालना है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी आपको एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है, सीधा आपको आंसर करना है, आंसर आपका क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। किससे? अगर आपको बोला गया कि लास्ट स्टेप से इनपुट फाइंड आउट करो तो भी, अगर आपके पास यहाँ दिया होता स्टेप नंबर वन भी दिया होता, फिर भी आपको कहा होता है कि आप इनपुट निकालो, इनपुट पॉसिबल नहीं होगा। आपके पास अगर दिया होता स्टेप नंबर टू दिया होता, आपको पूछा होता इनपुट निकालो, नहीं पॉसिबल होता। मतलब स्टेप से कभी भी इनपुट जो है हम नहीं निकाल सकते, हमेशा हमारा आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हमेशा ऑलवेज। इस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, समझ गए होंगे आई थिंक। सो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है, नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर इज ओवर। अगर ये क्वेश्चन पांच एग्जाम में आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट से ज्यादा का टाइम आपको लग सकता है, 2-3 मिनट के अंदर ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा जरूर दिया होगा जिसमें आपको आउटपुट में से या स्टेप्स में से एक इनपुट निकालनी होगी, उसको आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि 2-3 मिनट के अंदर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द फिफ्थ वन, आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन सबका क्लियर हो चुका होगा, कोई डाउट किसी को उसमें? एनीवन प्लीज, कोई डाउट किसी को? नो सर। चलिए ठीक है, ओके ओके। सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फटाफट हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ हम चल पड़े हैं। आई थिंक क्वेश्चन आपके पास होंगे ही, आप देख पा रहे होंगे, नहीं है तो आप लिख ही लीजिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्टेप नंबर 3 ऑफ द फॉलोइंग इनपुट। अब आपके पास एक इनपुट दी हुई है, उस इनपुट का आपको स्टेप नंबर 3 निकालना है, जो कि हमें निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। स्टेप नंबर 3 निकालना है किसी इनपुट का, इनपुट क्या दी हुई है लिखेंगे, इनपुट आपके पास दी हुई है 24 आपके पास इनपुट है, 12 आपके पास इनपुट है, और एंट्री आपके पास इनपुट वर्ड लिखा हुआ है, एंट्री के बाद है आगे सैंड, सैंड के बाद आगे वर्ड दिया है बटर, उसके बाद आपके पास दिया है 51, 32 एंड कैरी। आई एम रिपीटिंग द एंटायर इनपुट ताकि हमें करेक्ट लिख पाए, 24 है, 12 है, एंट्री है, सैंड है, बटर है, 51 है, 32 है, और हमारे पास दिया हुआ कैरी। तो ये क्या दिया है, इनपुट दी हुई है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्टेप नंबर 3 निकालना है हम लोगों को, वी नीड टू फाइंड आउट स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कैसे करेंगे, पैटर्न हमें मालूम ही है, पैटर्न अभी तक क्या चल रहा था, पैटर्न चल रहा था सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 51। तो यस, सबसे पहला 51 आएगा, 51 हमारे पास स्टेप नंबर 1 हो गया है। उसके बाद हमारे पास वर्ड आएगा, वर्ड आपके पास कौन सा है, बटर, ग्रेट। तो बटर आपके पास सेकंड स्टेप हो गया है। थर्ड आपके पास क्या होगा, थर्ड आपके पास होना चाहिए 32, वेरी गुड।
कुछ लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, तो ग्रेट। थर्ड, तो आई थिंक हमारे पास क्या है कि थर्ड ही स्टेप हमसे पूछा गया था, तो बाकी से ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा हम नीचे लिख देंगे। 24, 12, एंट्री, सैंड और कैरी हमारे पास लास्ट में आएगा। तो इसका ये मतलब हो रहा है कि हमारा जो आंसर होगा, जो हमने इसको अंडरलाइन किया है, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में से हम अपने आंसर को ढूंढेंगे, 51, बटर, 32, के बाद आपका 24, 24 के बाद आपके पास होना चाहिए 12, 12 के बाद एंट्री, सैंड एंड कैरी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका, बत्तीस के बाद चौबीस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस केस में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया है। तो आई थिंक ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और इसमें आप ये भी जान गए होंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें है तो प्लीज आप बताइए। आर यू श्योर? नाउ योर टर्न, आपको सॉल्व करके बताना है मुझे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, करते रहिए आप सॉल्व ऐसे ही। अब आपको सॉल्व करके मुझे बताना है, मैं आपके क्वेश्चन वाले पीडीएफ आपको शेयर कर रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 के बीच में क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं, आपको टाइम मिलेगा 5 मिनट का। 5 मिनट भी इसीलिए क्योंकि अभी आप बिगनर हैं, जो लोग लंबे टाइम से प्रैक्टिस में हैं उनको तो कम से कम 2 मिनट से ज्यादा का टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाना नहीं चाहिए। सो ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 6 to 10, पढ़ेंगे आप सवाल, डायरेक्शन दी हुई है और सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे। चलिए,